बैठक में शामिल होने के लिए टीएस सिंहदेव भी दिल्ली पहुंचे। बैठक से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बैठक में विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा करने की बात कही। ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर कहा कि हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठना उचित नहीं है। लेकिन चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में ही बैठक होगी और लोकसभा के चुनाव की तैयारी। सर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके रिपोर्ट तो नहीं लेकिन जवाब तो देना होगा जो भी सवाल आएंगे। सर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों कैश बरामद हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि ये पैसे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। बाबा एक चीज और पूछा चाहूंगा, ये जो हार हुई है खासतौर पर छत्तीसगढ़, ये जनता ने हराया है आप लोगों को या ईवीएम ने हराया है, आपको क्या लगता है? देखिए, हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं लगता। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि विकसित से विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया। वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, हमसे तकनीकी में ज्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे।